वेलकम बैक टू आवर किचन गार्डन। लास्ट वीडियो में हमने आपको किचन गार्डन का बहुत ही खूबसूरत शॉट दिया और आपको बताया कि आप अपने किचन गार्डन को किस तरह से खूबसूरती से सजा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि आप अपने किचन गार्डन में ऐसी कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो कि आपके वाटर कंटेंट को इन्हांस कर सकती हैं, इस कदर गर्मी में आपको हाइड्रेटेड रख सकती हैं, आपकी सैलड्स में यूज़ हो सकती हैं, आपको बहुत अच्छा जो है वो डाइटरी फाइबर प्रोवाइड कर सकती हैं और साथ ही साथ में विटामिन मिनरल्स और फाइबर्स का एक पूरा का पूरा पैकेज भी प्रोवाइड कर सकती हैं। तो वो एक खूबसूरत सी सब्ज़ी है हमारे पास, तड़ की सब्ज़ी। ये आपकी खूबसूरत सी सब्ज़ी है तड़। अगर आप इसकी खूबसूरती को देखें तो ये बेलों की सूरत में आती है जो कि आपके घर की ब्यूटी को भी इन्हांस करती है और इको फ्रेंडली भी है। अभी अगर आप ये देखें बहुत इनिशियल स्टेजेस पे अब इसकी बेलें इतनी बड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन जब ये थोड़ा सा अपनी ग्रोथ पकड़ेगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा अगर आप इसके फ्रूट को देखें तो इसका फ्रूट बहुत ही स्वीट टेस्ट में होता है, माइल्ड सा स्वीट टेस्ट होता है। आप इसको ईजिली सैलड्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं और ये इस तरह से है लाइट ग्रीनिश कलर का। इसके अलावा आपके किचन गार्डन में कोई भी वेजिटेबल को ग्रो करने की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है, यानी कि नो पेस्टिसाइड, नो इंसेक्टिसाइड्स और नो हेल्थ इशू। तो ये आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाता है और ये आपकी हेल्थ श्योरिटी भी आपको प्रोवाइड करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और आप अपने कमेंट्स में हमें सजेशंस भी दे सकते हैं कि इतनी शदीद गर्मी में कौन सी हमारे वेजिटेबल्स और कौन से अच्छे फ्लावर्स हैं वो स्टे आउट कर सकते हैं, और हम आपको उसके बारे में पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।